हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर फिजिक्स का पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद है आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा और उसको देख के ही यहाँ पे आए होंगे। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 15 मिनट की वीडियो, उसको देख के आइए। ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आज हम कुछ बहुत ही नई चीज़ जो आपके लिए होने वाली है वो करने वाले हैं, लेकिन डरना नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो अपना पेन और नोटबुक निकाल लीजिए बस, क्योंकि आज आप बहुत काम करोगे। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों, फिजिक्स में कई बार आपको देखने को मिलेगा साइन 90+ थीटा किसके बराबर होगा, या फिर ऐसे देखने को मिल सकता है कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, या ऐसे आ सकता है टेन 90+ थीटा, मतलब कुछ भी ऐसे करके दे दिया होगा आपके पास कि थीटा में कोई एक एंगल प्लस कर दिया, कुछ एंगल प्लस कर दिया, तो बताओ ये आगे आंसर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको बस ये आज सीखना है कि ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, ये वाली कन्वर्जन आज हमको सीखनी है। तो देखो कैसे होगा, ये दो बातें आपको बस यहाँ पे ध्यान में रखनी है, सिर्फ दो बातें सीखनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा साइन 90+ थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है जो हमको पता है कि जिसमें मैं थीटा को प्लस कर रहा हूँ या थीटा को माइनस कर रहा हूँ, वो वाला एंगल क्या है, वो वाला एंगल, इसको बोलते हैं पेरेंट एंगल। क्या बोलते हैं? पेरेंट एंगल बोलते हैं, पेरेंट एंगल बोलते हैं। अब आपने ध्यान में रखना है कि पेरेंट एंगल, कि पेरेंट एंगल अगर 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री को पाई बाई 2 भी लिखा जा सकता है, आप जानते हो मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था रेडियंस में, ठीक है। अगर 90 डिग्री है या फिर 270 डिग्री है, 270 डिग्री को 3π/2 भी लिखा जा सकता है, आप जानते हो। अगर पेरेंट एंगल 90 है या 270 है, पाई बाई 2 या 3π/2 है, तो ध्यान में रखना है साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, और टेन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट में। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे 270 या 90 डिग्री हुआ, रेडियंस में भी लिखा सकता है पाई बाई 2 या 3π/2, तो साइन को चेंज कर दोगे कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कोट में, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, अगर यहाँ पे 90 और 270 नहीं हुआ और 180 भी आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, 180 भी लिखा यहाँ पे आ सकता है। तो अगर 180 डिग्री हुआ, ठीक है, क्या हुआ, 180 डिग्री अगर हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है 180 डिग्री को आप पाई भी लिख सकते हो। तो ध्यान में रखना है साइन जो है वो साइन ही रहेगा, कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, और टेन जो है वो टेन ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर यहाँ पे 180 डिग्री है या पाई है। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कि चेंज कैसे हो जाएंगे, ये समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश करूं, ठीक है, ठीक है, चलो देखो, अगर मैंने लिखा यहां पे, तो ये मार्कर, मैंने यहां पे लिखा साइन 90+ थीटा, तो आपने जल्दी से देखा पेरेंट एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता है 90 डिग्री पे क्या होता है, साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अब दूसरी बात जो आपको सीखनी है वो ये कि यहां पे मैं प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, वो कैसे पता चले, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि यहां पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो अब वही सीखना है हमने, ठीक है बच्चों। तो चलो, वो डिसाइड होगा यहां से। अब यहां से कैसे डिसाइड होगा, तो चलो अब हमको सीखना पड़ेगा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम जल्दी से। ये मैंने बनाया एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट,
और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आते हैं वो आते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल। देखो यहाँ पे 0 होगा, फिर बढ़ेगा 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 और कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल कौन से आते हैं, 90 से बड़े और 180 से छोटे या 180 के बराबर। यहाँ पे कौन से आते हैं, 180 से बड़े और 270 से छोटे या बराबर। यहाँ पे आते हैं 270 से बड़े और 360 से छोटे या बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर कोई वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई तो यह ध्यान में रखना सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो कॉस हो टैन हो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पे सिर्फ टैन वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉस वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये क्या बोल रहे हो भैया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अभी आएगा, बस अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात आपने देखना है पैरेट एंगल क्या है, उस हिसाब से चेंज कर दो। फिर साइन कैसे करेंगे वो यहां से करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। चलो बच्चों अब करते हैं कन्वर्जन जल्दी से। हमको बताना है साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, हमको बताना है साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, हमको बताना है साइन 3π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, हमको बताना है कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, हमको बताना है टेन पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर होगा। तो चलो अब करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले यहां पे देखो साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले पैरेट एंगल देखा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो कर दो, यानी आंसर तो क्या आना है, कॉस थीटा आना है। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो कैसे चेक करेंगे, देखो जल्दी से, कॉस थीटा आंसर आ गया, अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो चेक करेंगे। तो देखो बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, 90 से एंगल बड़ा है, 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 0 से 90, 90 से बड़े एंगल कहां पे आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी अब हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखा तो साइन पॉजिटिव होता है, ये वाला देखना है साइन, तो ये साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आगे आ जाओ देखो जल्दी से, सबसे पहले देखा पाई है, पाई है पाई है पाई है पैरेंट एंगल, तो साइन साइन में ही रहेगा, यानी आंसर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब आपको चेक करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखो 180 में से कुछ माइनस है, यानी 180 से छोटा है, तो 180 से बड़े वाले एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, अब 180 से छोटे वाले कहां पे है सारे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहां पे आ जाओ, सबसे पहले पेरेंट एंगल चेक किया 3π/2 यानी 270 डिग्री, यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा यहां पे, कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। प्लस होगा कि माइनस होगा, अब देखो 3π/2 यानी 270 से बड़ा है, 270 से बड़े वाले एंगल कहां पे आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, कहां पे आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव, यानी साइन ये वाला देखना है, साइन है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ में आया। अब यहां पे आ जाओ कॉस, सबसे पहले पेरेंट एंगल देखा 180 डिग्री, यानी कॉस कॉस ही रहेगा, तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अब क्वाड्रेंट चेक करो कौन सा है, 180 में से माइनस है, 180 से छोटे वाले एंगल कहां पे आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव। अब यहां पे आ जाओ टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, सबसे पहले पैरेट एंगल चेक किया पाई बाई टू कहां है, पाई बाई टू यानी टैन किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। अब 90 प्लस थीटा है, 90 से बड़े वाले एंगल, 90 तक के एंगल फर्स्ट में, 90 से बड़े एंगल सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव, तो टैन क्या होगा, नेगेटिव।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब कुछ, ठीक है? समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, दो कुछ कन्वर्जन करोगे? चलो करके बताना मेरे को। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? क्वाड्रेंट आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, कैसे कैसे चेंज होगा वो भी आपको आ गया, ठीक है? तो अब आप करोगे जल्दी से ये वाला, बताओ मेरे को, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। तो चलो करते हैं इसको। तो क्या आएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले पैरेड एंगल चेक किया 90 डिग्री, यानी साइन किस में चेंज, कॉस में चेंज, तो क्या आएगा, कॉस थीटा आंसर आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कैसे लगेगा पता, 90 से छोटा, 90 से छोटे सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है? तो यहां पे देखो 180 डिग्री पेरेंट एंगल, 180 डिग्री यानी कॉस कॉस ही रहेगा, तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखो 180 प्लस थीटा, 180 से बड़े वाले एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव यानी कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहां पे आओ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 देखा सबसे पहले, 3 पाई बाय 2 ये रहा, 3 पाई बाय 2 यानी टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। अब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी 270 से छोटे हैं, 270 से छोटे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तो टैन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये वाला चेक करना है आपको, ठीक है? उसके बाद यहां पे आ जाओ 3 पाई बाय 2 पेरेंट एंगल, यानी कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी 270 से बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी पहुंचेंगे तो क्या होगा, वहां पे कॉस पॉजिटिव होगा, तो कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कन्वर्जन, ठीक है बच्चों? टफ तो नहीं है ना, इजी है ना, ठीक है, सीख गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अगर सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो तीन स्पेशल कन्वर्जन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसे लिखा हो साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, तो ध्यान में रखना ये होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है माइनस टेन थीटा। बात ये कि इसको आप लिख सकते हो, बता देता हूं मैं, जीरो माइनस थीटा, माइनस थीटा को जीरो माइनस थीटा लिख सकते हो। अब जीरो से कम है एंगल, जीरो तो ये रहा, जीरो से कम यानी पीछे आ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस वाला पॉजिटिव आया, साइन और टेन वाले नेगेटिव आए, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, ठीक है बच्चों? तो दो तीन क्वेश्चन अब मेरे को करके बताओ जरा, अगर आपको आ गया तो बताओ जल्दी से, साइन 120 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 150 डिग्री किसके बराबर होगा, और टेन 135 डिग्री किसके बराबर होगा। तो कर सकते हो ये क्वेश्चंस, ठीक है? तो देखो कैसे होंगे, देखो साइन 120 को मैं ये लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30। अब देखो ये वाला बन गया साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा 90 है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज होगा। 90 प्लस ये 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ही आएगा, कॉस थीटा, यानी आंसर क्या होगा आपका, कॉस थीटा यानी 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है? अब यहां पे देखो कॉस 150 को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 90 प्लस 60 लिख सकता हूं, कॉस 90 प्लस 60। तो देखो ये तो ये बन गया कॉस 90 प्लस 60, ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस 90 प्लस थीटा,
कॉस 90 प्लस थीटा। अब 90 है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, यानी आंसर आएगा साइन 60। साइन 60 प्लस होगा कि माइनस होगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस वाले कहां पे आएंगे, साइन में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये वाला चेक करना है। तो माइनस का साइन 60, साइन 60 की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो टेन 135, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टेन 90 प्लस 45 डिग्री। अब देखो ये 90 प्लस थीटा बन गया, टेन 90 प्लस थीटा, 90 होगा तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा और साथ में 45 डिग्री आ जाएगा। अब 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों प्रैक्टिस करिए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए अगर आपको थोड़े थोड़े डाउट्स हैं तो, और कमेंट कीजिए अगर मेरे को अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, आई लव यू, थैंक यू सो मच।